तो ये गाइस आज हम बात करेंगे एक न्यू ड्रामा के बारे में जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। मैंने ऐसा गाइस एक्सपेक्ट नहीं किया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में और ऐसे तमिल इंडस्ट्री से, जो कि हम तो कितने दिन से चाह रहे थे कि कोई कोरियन ड्रामा ऐसा कंटेंट लेके आओ कि हमको देखने में मजा, रीमेक ही लेगा लेकिन लेके आओ कोरियन ड्रामा ऐसा कोई जहाँ पे ऐसा देखते हुए मिल रहा है कि जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री है वो सीरियस ये बात को ले चुकी है और ऐसा सेम एक ड्रामा लेके आ चुकी है जैसा मैं कोरिया में देखना चाहता था, जिसका नाम है, मैंने एक ड्रामा देखा था कोरिया में आई एम नॉट अ रोबोट, जिसका रीमेक लेके आ चुका है तमिल इंडस्ट्री, जिसका नाम है यहाँ पे MY3, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा सही में नहीं सोचा था कि आपको ये देखने को मिलेगा, बेसिकली मैं सोचा था कि बॉलीवुड कोई बनाएगा, मैंने बीच में देखा था कि बिजनेस प्रपोजल बनाने वाला है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है एक सीरीज बना रहा है, लेकिन इससे पहले तमिल लेके आ चुका है आई एम नॉट अ रोबोट, बहुत अच्छी सीरीज थी और इसका रीमेक लेके आ चुका है, मैं बहुत पहले आ चुका 15 सितंबर से ये सीरीज आ रहा है। मैं अभी जाके ध्यान दिया है कि अभी इसका भी मतलब रीमेक आया है कोई कोरियन ड्रामा के, सेम ऐसे ही सेम कहानी और सेम प्लॉट एकदम मैच करता है। जहाँ पे बात करें इसमें आपको हंसिका मोटवानी और मुर्गन राव देखने को मिले होंगे, इसमें आपको सेम कहानी देखने को मिलती है जो कि आपको आई एम नॉट अ रोबोट में देखने को मिला होगा, लेकिन गाइस एपिसोड की बात करें इसमें आपको 9 एपिसोड ही देखने को मिलता है और लेंथ की बात करें इसमें आपको कम से कम लेंथ रखा गया है, जहाँ पे आपको कोरियन ड्रामा ऐसा मतलब लेंथ और एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको 9 एपिसोड और नहीं तो इसमें आपको ड्रेसिंग की बात करें इसमें आपको कहीं 30 मिनट नहीं तो 40 मिनट 50 मिनट आपको कहीं कई एपिसोड में देखने को मिलेगा। बात करें इसमें आपको क्या आपको इंटरेस्टिंग देखने में, तो मैं देखा नहीं होगा क्योंकि पास सब्सक्रिप्शन नहीं, आपको कैसे मैं देख के बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको क्या देखने को और भी आपको देखने मिलता है, क्या वो क्या क्या पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है, आप क्या देख सकते हो इसको और अच्छी तरीके से और क्या अच्छी तरह फील देगा एकदम कोरियन ड्रामा। मैं जितना फीडबैक अभी इकट्ठा कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा पब्लिक का अच्छा खासा उसका इसके ऊपर ओपिनियन आ रहा है, मैं चाहता था कि कोई ड्रामा लेके आए कोरियन ड्रामा ऐसा और हमको भी देखने में मजा आए। बात करें इसमें आपको 9 एपिसोड देखने में, पहले बता दिया कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अलग अलग लैंग्वेज में हिंदी में भी देखने को मिलेगा। हंसिका मोटवानी इसमें जिसका इनका नाम रहता है जो कि मनी मेघलाई नाम रहता है इनका जो सीरीज का नाम रहता है, इसमें प्लॉट में बात करें कि आपको क्या इसमें देखने मिलता है जो कि मुर्गन राव इसमें जो आदित्य चंद्रा जिनका नाम रहता है वो एक बिजनेसमैन रहते हैं जिनको इन्फेक्शन रहता है इनके जिससे माँ बाप मरते तो इनको इन्फेक्शन हो जाता है तभी से और वो सोचते हैं कि मैं एक रोबोट के लिए गाऊंगा जिससे मेरे को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन गाइस जो एक अलियास अहमद नाम का एक इंजीनियर रहते हैं जहाँ पे एक मैकेनिक इंजीनियर रहते हैं जहाँ पे वो एक रोबोट बनाते हैं, जैसे ही रोबोट बनाते हैं वो उनका रोबोट जिसने डिलीवरी करने वाले रहते हैं आदित्य चंद्रा को वो खराब हो जाता है और उसको भेजने वाले डिलीवरी रहते हैं, लेकिन उस दिन खराब हो जाता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड का सेम चेहरा बना के हूबहू रोबोट का वो अपने घर पे मतलब आदित्य चंद्रा घर पे डिलीवरी कर देते हैं, ये रोबोट नहीं है ये कोई इंसान है जैसे कोई लड़की है, लेकिन कुछ दिन करते करते जो आदित्य चंद्रा है जो कि बिजनेसमैन है जिनको इन्फेक्टर रहता है उनको मतलब ये रोबोट से प्यार हो जाता है, मतलब मनी मेघलाई से उनको प्यार हो जाता है और वो लेकिन उनको उसको भी उनको नहीं मालूम है कि ये लड़की है और उसको भी कुछ फीलिंग हो रही है और उसको वो भी उससे प्यार करने लग जाता है, लेकिन वो जताती नहीं है। गाइस इस ड्रामा में आपको बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने मिलता है, मैं आपको उसका फीडबैक दे रहा हूँ कोरियन ड्रामा का, ना कि अभी हिंदी का जो मैं इसका फीडबैक नहीं दे रहा क्योंकि मैंने देखा नहीं था, सेम कहानी तो सेम ऐसे ही होगी, आप मेरे को देख के बताओ और हमको कमेंट कीजिए क्या है वो सेम कहानी है, मैंने तो आपको बता दिया कि आपको जाकर देख सकते हो अच्छी तरह सीरीज आई है एक सेम कोरियन ड्रामा कंटेंट ऐसा, मेरे को तो खुशी रहेगा इस और भी ड्रामा लेके आना चाहिए क्योंकि अगर तमिल ने लेके आया तो तमिल ने कुछ अलग अपने तरह से भी कुछ अलग डालेगा और अच्छा तो और भी नया सीरीज लेके आएगा सेम ऐसे कंटेंट और भी अच्छा बनाते हुए, तो सल्यूट है तमिल इंडस्ट्री का, तो और भी ऐसे सीरीज लेके आइए और रोमांस ड्रामा ऐसे कोरियन ड्रामा ऐसे लेके आइए और अच्छा खासा पब्लिक और भी इंटरनेट होगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस हमारा रिव्यू अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ड्रामा कोई लेके आएगा तो मैं आपको ऐसे ही अपडेट दे रहा हूँ, कोई भी अभी लेट नहीं होगा गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।